हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की काफी सारी अपडेट्स के बारे में, जिसमें इस बार मैं आपको ज्यादातर तो अपडेट्स हॉलीवुड की हॉरर मूवीज और सीरीज से रिलेटेड ही दूंगा, क्योंकि इन्हें लेकर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। जैसे कि फिल्म ब्राइड ऑफ फ्रैंकस्टाइन में अब एंजेलिना जूली को निकालकर किस एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। इसके अलावा कॉन्जरिंग 3 के साथ अब वार्नर ब्रदर्स क्या करने वाला है, और क्या MGM स्टूडियो द एडम्स फैमिली के लाइव एडेप्टेशन के यूनिवर्स को लेकर कुछ सोच भी रहा है या नहीं। इसके अलावा और भी काफी सारी फिल्मों के अपडेट्स है, और हाँ, DC और मार्वल यूनिवर्स के भी। इसलिए अब ज्यादा टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं इन सभी की सभी फिल्मों के अपडेट्स के बारे में, ताकि आप हॉलीवुड की मूवीज से पूरी तरीके से अप टू डेट रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट की, जो कि है एविल डेड के रीबूट वर्जन से रिलेटेड। जी हाँ, एविल डेड के वर्जन को अब लोगों के सामने बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि यह आने वाली फिल्म साल 2013 की बनी एविल डेड से बिल्कुल भी कनेक्ट ना हो, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर रूस कैम्बल ने यह अपडेट दे दी है कि उनका कैरेक्टर एश विलियम एविल डेड के इस यूनिवर्स में आने वाला तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके की पिकअप इस फिल्म में की जा रही है वो पहले की एविल डेड की सीरीज से बिल्कुल अलग होगी। यानी कि ब्रूस का कहने का मतलब यह है कि अब एविल डेड फिल्म किसी जंगल में बने हुए केबिन में बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाली। इस बार ये फिल्म इसके टाइटल के हिसाब से राइज करेगी, जिसका टाइटल इविल डेड राइज रखा गया है। और इस बार इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर अपनी फैमिली को इन इविल्स की सिचुएशन से बचाएगी। और हाँ, कुछ रूमर ये भी कहते हैं कि फिल्म का पूरा फोकस शहर के बीच में बनी हुई बिल्डिंग पर किया जाएगा, जो बिल्डिंग पूरी तरीके से शैतानों से भरने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे या फिर बिल्डिंग के कुछ लोग इविल डेड की उसी बुक को लाकर उसे रीड करेंगे, जिसकी वजह से उस पूरी बिल्डिंग में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। वेल, तो सुनने में स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और आई होप ऐसा ही कुछ हमें इविल डेड के इस रीबूट वर्जन की फिल्म में भी देखने मिले। तो फिलहाल तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को कब शुरू किया जाएगा, कब नहीं, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल निकल कर नहीं आई है। यानी क्या पता हो सकता है कि डोंट ब्रीथ 2 फिल्म की तरह इस फिल्म के भी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया हो, क्योंकि उस फिल्म के भी सीक्वल को बहुत ही सीक्रेटली रखकर खत्म किया गया है, जो इस केस में इविल डेड के सॉफ्ट रीबूट वर्जन के साथ भी हो सकता है। और अब हॉरर फिल्म की बात हुई है, तो बात कर लेते हैं कॉन्जरिंग 3 की भी एक रूमर के बारे में, जिस रूमर में कहा यही जा रहा है कि कॉन्जरिंग 3 फिल्म कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की आखिरी फिल्म होगी। उसके बाद इस फिल्म का पूरा फोकस कॉन्जरिंग के बाकी यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों पर किया जाएगा, जो रूमर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि मैं कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में लोरेन और एड वॉरेन के कैरेक्टर को और भी ज्यादा देखना चाहता हूं। और अभी तो कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की प्रॉपर तरीके से शुरुआत स्टूडियो की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अब शायद स्टूडियो को ये बात पता चल गई है कि नन और ला यरोना जैसी फिल्म को बनाकर स्टूडियो ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, और उन्हें इस मिस्टेक को सुधारने के लिए अपनी फिल्मों को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा। इसलिए फिल्म को तो थर्ड पार्ट में ही बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। और हाँ, रिसेंटली इस फिल्म का एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया है बिहाइंड द सीन का वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर, जो आपको कॉन्जरिंग के यूनिवर्स को समझाते हुए एंड में कॉन्जरिंग 3 फिल्म की डिटेल्स देगा, और वो वीडियो ऑलमोस्ट 32 मिनट का है। तो जाइए जाकर उस वीडियो को देखकर ये पता लगाइए कि कॉन्जरिंग 3 फिल्म में आपको क्या अलग देखने मिलने वाला है। और बाकी डिटेल्स के लिए तो मेरा चैनल है ही, जिस पर आपको कॉन्जरिंग 3 फिल्म के और भी काफी सारे अपडेट्स तो मिल ही जाएंगे। और अब बात करते हैं पैट्रिक विल्सन की आने वाली अपकमिंग फिल्म इंट्रूडर्स 5 के बारे में। जी हाँ, इंट्रूडर्स के यूनिवर्स में इसका 5th चैप्टर भी आ रहा है, जिसकी कंफर्मेशन खुद स्टूडियो ने की है, और यहाँ तक कि इसके डायरेक्टर को भी सेट कर दिया गया है, जो और कोई नहीं बल्कि फिल्म के लीड स्टार पैट्रिक विल्सन ही है, जो अपने करियर में पहली हॉरर फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब उनका एक्सपीरियंस हॉरर फिल्मों को लेकर इतना अच्छा तो हो ही गया है कि वह फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडियो की तरफ से उन्हें पूरी छूट दी जाए इस फिल्म को बिल्कुल सही ढंग से डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन फिल्म की कहानी के बारे में बात करें और इसकी रिलीज डेट के, तो ऐसी कोई भी कंफर्मेशन स्टूडियो की तरफ से निकल कर आई नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि है एडम्स फैमिली की लाइव एक्शन TV सीरीज की एडेप्टेशन की। जी हाँ, और फाइनली MGM स्टूडियो को ये बात साफ साफ पता चल गई है कि एनिमेशन के अलावा इसकी एक लाइव एडेप्टेशन सीरीज भी बननी चाहिए, क्योंकि जैसा फैंस द एडम्स फैमिली के यूनिवर्स को बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, वैसा एनिमेशन में उसे बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इसीलिए अब स्टूडियो की तरफ से जिस डायरेक्टर का नाम आगे निकल कर आया है वो है टिम ब्रूटन का, जो मेरे हिसाब से तो इसकी सीरीज को डायरेक्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्टर है, क्योंकि टिम ब्रूटन ही एडम्स फैमिली के पूरे यूनिवर्स को लोगों के सामने बहुत नहीं बल्कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा फैंस एक्चुअल में इस यूनिवर्स को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और अब जब टिम ब्रूटन का नाम आगे निकल कर आया है, तो फैंस की डिमांड जॉनी डेप को भी लेकर बहुत ज्यादा की जा रही है कि उन्हें सीरीज में गोम्स के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए देना चाहिए, और गोम्स की वाइफ मोनिका एडम्स का रोल फैंस चाहते हैं कि क्रिस्टीना रिकी प्ले करे, जिन्होंने इसके पहले एडम्स फैमिली के फिल्म में वेडनेसडे एडम्स के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। खैर, तो देखते हैं कि क्या स्टूडियो टिम ब्रूटन को एग्री कर भी पाता है या नहीं। और इसके अलावा इस सीरीज के राइटर की बात करें तो
सीरीज को लिखने का काम अल्फ्रेड रॉक और माइल्स मिलर को दिया गया है, जिससे ये बात तो तय है कि MGM स्टूडियो द एडम्स फैमिली की सीरीज को पक्का बनाना चाहता है। और बात करते हैं स्कारलेट जॉनसन की आने वाली अपकमिंग फिल्म ब्राइड के बारे में, जो A4 स्टूडियो के अंडर बनाई जा रही है। पर ये फिल्म अगर क्लियरली देखा जाए तो ब्राइड ऑफ फ्रैंकेस्टाइन फिल्म है। जी हाँ, लेकिन इस फिल्म के टाइटल को चेंज कर दिया गया है, जो कि कॉपीराइट के इश्यू से हो सकता है। लेकिन फिल्म की कहानी हमें यही बात बता रही है कि ये फिल्म ब्राइड ऑफ फ्रैंकेस्टाइन ही है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सेबेस्टियन लीलो को दी गई है। जो किस तरीके की फिल्म डायरेक्ट करते हैं ये बात आपको काफी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं फिल्म के बेसिस पर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि स्कारलेट जॉनसन की आने वाली फिल्म ब्राइड एक्चुअल में कैसी होने वाली है। तो पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। जिस कहानी में हमें देखने मिलेगा कि जिस क्रिएटर ने इस ब्राइड को बनाया है वो उसकी बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। इनफैक्ट वो उसे छोड़कर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, क्योंकि दुनिया उसे एक मॉन्स्टर की नजर से ही देखती है। और इस बीच ब्राइड को खुद की पावर्स का भी पता चलता है और खुद की रियलिटी का भी, कि वो कौन है और क्या कर सकती है। यानी अगर देखा जाए तो स्टोरी के हिसाब से ये फिल्म थोड़ी बहुत सुपर हीरोज के जॉनर में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जिक्र सुपर पावर्स का भी किया गया है। लेकिन जो भी हो, A4 स्टूडियो के अटैच होने से ये बात तो तय है कि फिल्म का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। ऊपर से डायरेक्टर सेबेस्टियन की कंफर्मेशन कर ये बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी गई है कि ये फिल्म A4 वाले एक अवार्ड के हिसाब से बनाएंगे, जिसमें पैसे इन्वॉल्व Apple+TV वाले भी कर रहे हैं। यानी कि ये फिल्म किसी थिएटर्स में नहीं बल्कि Apple+TV पर रिलीज होगी। और अब बात करते हैं एक और हॉरर फिल्म की अडेप्टेशन जो सीरीज में की गई है, जिसका नाम है जिंजर स्नैप। तो अगर आपने इसकी फिल्म को नहीं देखा है तो मेरी तरफ से ये फिल्म एक हाईली रिकमेंड तो बनती ही है, जिसकी अडेप्टेशन अब एक सीरीज के तौर पर की जा रही है, जो कि होनी भी चाहिए। और इस सीरीज को डेवलप करने की जिम्मेदारी इसके ओरिजिनल क्रिएटर जॉन फैकलेट को ही दी गई है, लेकिन कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस फिलहाल तो इस सीरीज के साथ में अभी तक अटैच नहीं किया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जिंजर स्नैप एक ऐसा यूनिवर्स है जिसे कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म काफी आसानी से पिक कर लेगा। और अब बात करते हैं एक और फिल्म की सीरीज की अडेप्टेशन की, जो हमें Amazon प्राइम पर देखने मिलने वाली है। पहली सीरीज का नाम है I Know What You Did in the Last Summer, और इस सीरीज को प्रोड्यूस Amazon के साथ साथ जेम्स वॉन भी कर रहे हैं। और अब ये फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी है उसके बारे में डेफिनेटली मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, और ऊपर से इसकी सीरीज की अडेप्टेशन करना आज की तारीख में बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हॉरर फिल्मों की अपडेट्स निकलकर बात करते हैं छोटी छोटी काफी क्विक अपडेट्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं DC के यूनिवर्स की आ रही सीरीज पीसमेकर के बारे में, जिसमें एक और एक्टर की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो कि है स्टीव एगी, जो दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में शार्क किंग के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनकी कंफर्मेशन होने से फैंस के बीच ये बात भी चलेगी कि शायद उनका कैरेक्टर यानी कि शार्क किंग दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में नहीं मरेगा, जो कि मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। और अब इसके अलावा बात करें ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म में डॉक्टर फेट के रोल के लिए सैमविल रॉक जैसे एक्टर को ढूंढा जा रहा है। अब पता नहीं सैमविल रॉक के नाम को डालकर स्टूडियो क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर फेट के रोल के लिए सैमविल रॉक को ही कास्ट कर लेना चाहिए। और इस फिल्म के साइक्लोन के कैरेक्टर की बात करें तो उस कैरेक्टर के लिए भी अभी तक कोई भी एक्ट्रेस कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन दो एक्ट्रेस का नाम आगे निकल कर आया है, जिनमें से एक है लीज लाई ग्रेसी और दूसरी इजाबेलर मोना, जिन्हें हमने इसके पहले डोरा दी एक्सप्लोरर के लाइव एडेप्टेशन फिल्म में देखा था। लेकिन इस फिल्म की एक्ट्रेस की कंफर्मेशन की बात करें तो इस फिल्म में हम शारा शाहीन के कैरेक्टर को देखने वाले हैं, जो इस फिल्म में ब्लैक एडम की वाइफ इसिस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। और अब नेटफ्लिक्स के सुपर हीरोज दी अम्ब्रेला एकेडमी की सीरीज की बात करें तो इसके सीजन 3 की कंफर्मेशन हो गई है, जिसके प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर तक शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सीजन 2 की सक्सेस के बाद फैंस यही चाहते थे कि इसके सीजन 2 को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स की तरफ से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, जो फाइनली स्टूडियो की तरफ से निकल कर आ गया है। और फास्ट एंड फ्यूरियस की बात करें तो इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज 11 पार्ट के बाद पूरी तरीके से एंड हो जाएगी, जिन दोनों ही पार्ट्स को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी जस्टिन ली को दी गई है, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज की अभी की फिल्म फास्ट 9 को भी बनाया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल कर रही है, तो स्टूडियो कभी भी उसे गलती से बंद नहीं करेगा, और इस केस में शायद हो सकता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ भी कुछ ऐसा हो। इसलिए इस कंफर्मेशन पर मुझे इतना ज्यादा फिलहाल तो अभी भरोसा है नहीं, जो कि आपको भी नहीं करना चाहिए। और अब बात करें Amazon प्राइम का सबसे फेमस सुपर हीरो का शो द बॉयज के सीजन 2 की, तो इसके सीजन 2 के प्रोडक्शन की भी डिटेल आ गई है, जिसके प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 1 February 2021 में। और ऊपर से द बॉयज के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ की सीरीज भी आ रही है, जिसकी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरीके से Amazon प्राइम की तरफ से द बॉयज के यूनिवर्स को बढ़ाया जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए। और अब बात करें आखिरी अपडेट की, तो यह अपडेट है डायरेक्टर डेविड ओ रसल की आने वाली अपकमिंग फिल्म से रिलेटेड, जिसके टाइटल को अब तक फिलहाल तो कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हाँ फिल्म की 3 कास्टिंग अब तक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हुई है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टन बेल का, दूसरा मार्गो रॉबर्ट्स और तीसरे है जॉन डेविड वॉशिंगटन, जिनसे इस फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से डेविड ओ रसल जैसे डायरेक्टर इस फिल्म की कहानी भी लिख रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में काफी अच्छी अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। आई होप ये फिल्म भी फैंस के लिए कुछ अलग ही चीजें लेकर
आए। वेल तो ये थी हॉलीवुड की फिल्मों की सारी अपडेट्स, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल्स के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।